दोस्तों आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ एक ऐसे लेजेंडरी वॉच का जिसका कोई हिसाब नहीं इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी यूनिक है जी हाँ ये वही वॉच है जो कि नासा ने अपने स्पेस सूट में एम्बॉड कराई थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए एंड ये सेम मॉडल है एम आर डब्ल्यू टू हंड्रेड एच वन बी वी टी एफ एन समथिंग लाइक दैट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट ये रेड मार्कर ब्लैक ब्लैक डायल प्लस वाइट मार्कर्स के साथ ये एक ऐसी क्लोथी वॉच है जो कि बहुत बहुत सुंदर है और इसी वजह से मैंने इसे अपने कलेक्शन में लिया ये मेरी गो टू डेली वेयर वॉच है और मैं इसके बारे में आपको अपनी थॉट्स बताऊंगा इसके अंदर कोई बहुत एक्सपेंसिव मूवमेंट तो है नहीं बट लेट्स टॉक अबाउट इट इन डेप्थ सो सबसे पहली बात कि बहुत ही बेहतरीन बीट, बीटर वॉच है बीट अ वॉच इन अन्स दैट यू कैन यूज़ इट डेली वेयर एनी वेयर एवरी वेयर एंड यू डोट हैव टू वरी अबाउट टू मच एज यू कैन सी कि इस पर कितने सारे स्क्रैचेज हैं और ये काफ़ी अच्छे से वेयर करी है मैंने ये सारे स्क्रैचेज इसलिए हैं बिक इस पर एक मिनरल ग्लास नहीं है बल्कि रीजन ग्लास है सो ओवरऑल बिल्ट इस वॉच का रीजन है एंड दैट्स वाई यू कैन सी दैट इट हैज सो मैनी स्क्रैचज एंड जो इसका बेजल है वो रोटेटिंग बेजल है आई कैनॉट शो यू बिकॉज भले ही ये फ्रिक्शन फिटेड हो और ये काफ़ी आराम से मूव ना कर पाता हो बट एक बार सेटल होने के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाता है इसको मूव करना एंड बट वंस यू मूव इट इट्स क्वाइट ईजी सो जस्ट इन द बिगनिंग इट टेक्स टाइम बिकॉज डाइवर्स वॉचेज़ ये डाइवर्स स्टाइल की वॉच है और इसमें एक रोटेटिंग बेजल है जिसकी वजह से जितने भी डाइवर्स होते थे वो इसलिए रखते थे ताकि उन्हें 15 मिनट्स का पता रहे बिकॉज 15 मिनट्स में उनके गैस सिलेंडर्स आउट ऑफ गैस हो जाते थे सो दैट्स वाई कि उनको कितने टाइम के बाद अपनी गैस सिलेंडर चेंज करना है उसके लिए वो एक टूल वॉच रखते थे और जिसमें रोटेटिंग बेजल हो जो कि चूंकि काफ़ी अच्छी वाटर रेजिस्ट हो सो so, ये हंड्रेड मीटर वाटर रेजिस्ट है और इसमें रोटेटिंग बेजल है और ये फुल रेजिन बिल्ट है विच इज़ बिट लुक प्लास्टिक की बट दिस इज़ अ रियली गुड वॉच ओवरऑल इसके आप स्ट्रैप्स को देख सकते हो एक रेजी स्ट्रैप है ये भी सस्ता सा फील होता है बट एंड uh, ये आपके पॉइंटर्स देख सकते हो ज़्यादातर डाइवर्स वॉचेस का लुक देने की कोशिश करिए तो डाइवर्स वॉचेस के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं सो देअर फॉर यू आर बी गेबल टू सी दैट और इसमें कर्व्स भी हैं ये भी दिख रहा है आपको एंड सिमिलर टू द ड्यूरो तो काइंड ऑफ ड्यूरो काइंड ऑफ लुक बेसिकली अ बेसिक डाइवर वॉच काइंड ऑफ लुक बट्स रियली नाइस वॉच अगर मैं इसकी और खासियत की बात करूँ तो सबसे बेहतरीन बात जो ये है मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक ऐसी वॉच है जिसको कोई भी ले सकता है कैशियो की आ, इसको ये जस्ट अराउंड थाउजेंड रुपीज़ में मुझे पड़ी तो आई डोंट गेस कि इसे बाय करना एक बहुत बड़ी डील होगी स्पेसिफिकली फॉर सच ए गुड वॉच बिकॉज़ ये एटलीस्ट थ्री ईयर्स आराम से चलेगी एंड इस सच अ गुड वॉच की आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ये हमेशा एक अच्छा लुक देती है ये किसी भी कपड़े पे चल जाती है किसी भी तरह की वॉच किसी बेसिकली कैजल वॉच आप इसे कह सकते हो थोड़ी सी स्पॉल्टी लुक है बट ये ड्रेसेस पर भी चल जाती है एंड दिस इज़ अ वॉच जब मेरी जी शॉक पहली वाली सबसे पहली मेरी वॉच जो चोरी हुई थी जी शॉक उसके बाद मेरे पास लेने के लिए कुछ पैसे नहीं थे और मेरे पास कोई वॉच नहीं थी दैन आई वॉट दिस एंड दिस वॉच जस्ट रियली रियली अमेजिंग मेरे पास अभी दो जी शॉक्स हैं और, और भी डिफरेंट वॉचेज़ हैं बट सबसे ज़्यादा जो मैं ग्रेविटेट होता हूँ पहनने के लिए वो इसी वॉच को होता हूँ बिकॉज दिस इज़ सच अइस वॉच सबसे पहली बात तो मैं इसकी फीचर्स के बारे में बात करूँ जिसकी वजह से मुझे ये पसंद है सबसे पहला एक रोटेटिंग बेजल जिसमें मिनट मार्कर्स है यू कैन सी एंड फिफ्टीन मिनट्स गैप है सो so, आप कोई भी काम कर रहे हो आपको अगर टाइम अवेयरनेस के लिए आप वॉच पहनते हो सो दिस इज़ अ रियली बिग डील बिकॉज आप आराम से रोटेट बेजल को करके जैसे मैंने अभी आ, वीडियो की स्टार्टिंग में रोटेट किया था जस्ट यू विल हैव अ क्लैरिफाइड लुक कि आपका कितना टाइम कहाँ जा रहा है

रोटेटिंग बेजल पे आपको अलग से फाइव मिनट फाइव फाइव ड्यूरेशन के 5, मतलब ऑलरेडी uh, सिक्सटी पर आपको रेड डॉट uh, मिल जाता है ये भी सारे मार्कर्स हैं एंड इसमें ग्लो इन द डार्क भी है इसका ग्लो इन द डार्क बहुत uh, अच्छा नहीं है इट्स इट्स नॉट इवन मीडियो बट इट इज देयर सो इट्स रियली गुड वॉच एंड अगर इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये पूरा रीजन है और पीछे स्टेनलेस स्टील का केस है जिसमें जैपनीज मूवमेंट आप देख रहे हो तो हाँ इसमें मूवमेंट जो है वो बहुत हाई एडवांस मूवमेंट नहीं है बट इट्स अ बेसिक मियोटा मूवमेंट इफ़ यू डोंट नो अबाउट मियोटा इट्स अ सब्सिडरी ऑफ सिटीजन वॉचेस सो सिटीजन वॉचेस के जो मूवमेंट होते हैं वो भी म्योटा uh, के ही होते हैं सो बोथ आर जैपनीज कैशियो एंड सिटीजन एंड मियोटा भी जैपनीज है तो so, इसमें एक बहुत सिंपल सा मियोटा मूवमेंट यूज हुआ है जिसमें डीडिट का कॉम्प्लिकेशन भी है एंड दिस इज रियली एक्यूरेट यू कैन सी दैट इट हिट्स द मार्कर्स रियली रियली गुड एंड रियली एक्यूरेटली एंड बहुत महंगी वॉचेस में भी ये फीचर नहीं होता ये काफ़ी एक्यूरेट है अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो ये एटलीस्ट uh, कहा जाता है कि फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड्स मंथ देती है बट मुझे इसकी जो एक्यूरेसी देखने को मिली वो अराउंड थ्री टू फोर सेकेंड्स अ मंथ है जो कि बहुत बहुत सही है फॉर अट्स वॉच एंड हाँ और ये डिपेंड भी करता है कि मैं अपने वॉच को कैसे रखता हूँ कहाँ रखता हूँ क्या उसके पास मैग्नेटिक डिवाइसेस रहते हैं या नहीं रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी वॉच की और जब इसे आप सिंपली डेली वेयर में पहनोगे तो आप देखोगे कि और अगर आप इसे अच्छे संभाल के रखते हो तो नॉट डैट कि आप इसे बहुत ही संभाल करके किसी केस में रख रहे हो यू जस्ट कैन वेयर इट रफली एज रफली हैव यूज इट एंड मैंने इसे बहुत बार ड्रॉप किया है बहुत जगहों से ड्रॉप किया है और बहुत जगह पे स्क्रैच हुई है ये वॉच बट यू कैन स्टिल सी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको टूथपेस्ट से इसे पॉलिश कर देने की जरूरत है और सारे स्क्रैचेस चले जाते हैं इट्स लाइक अ मैजिक बट वाई यू टू डू दैट दिस इज़ अ वॉच टू वेयर इट एंड गो आउट वॉट एवर इट इज़ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ये ऐसी वॉच है जिसको बस पहनो और निकल पड़ो अपने एडवेंचर्स पे तो मैं इसे हाइकिंग ट्रैकिंग और बहुत जगह पे लेके गया हूँ बहुत महंगी वॉचेस में जहाँ अंदर फॉग आ जाती है टाइटन की इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और uh, मुझे कहना नहीं चाहिए था उस टाइटन uh, वॉच का नाम बट ऐसी बहुत सारी वॉचेस है नॉट जस्ट टाइटन जो कि काफ़ी महंगी रेंज में भी एक अच्छी वॉचेस को नहीं देती और कैशियो एक ऐसी वॉच है जो कि बहुत सस्ते में भी बहुत अच्छी वॉचेस को देती है दैट इज़ वाई यू कैन सी कि बिल गेट्स जैसे बिलीनियर्स एक सस्ती वॉच पर क्यों इफेक्ट डालते हैं बिकॉज इट्स वैल्यू फॉर मनी और बिल गेट्स के पास एक कैशियो ड्यूरो तो है ही एक एम आर है जैसा कि उनको पहनते हुए देखा गया है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बिल गेट्स बट या

वाटर रजिस्टिंग का उतना फीचर नहीं है बट हंड्रेड मीटर वाटर रेजिस्ट इसके आर मार्कर के नीचे लिखा हुआ है सो so, मैं तो इसे हर जगह पहन के गया हूँ और मुझे कहीं भी कोई तरह का इश्यू नहीं आया इस वॉच से मोस्टली आई से दैट कि बहुत अच्छी अच्छी वॉचेस वाले लोगों को अपनी वॉचेस में इशू देखने को मिले ठंड में गर्मी में ठंडी uh, बारिश में और आइस वाटर में बहुत सारी वॉचेस फ्रीज तक हो गई बट दिस जस्ट गोज ऑन लाइक बिल्ड सो स्ट्रॉन्ग कैश यू मेक रियली गुड वॉचेज एंड जेपनीज वैल्यू इज़ रियली रेयर इन मेकिंग ऑफ दिज वॉचिज सो मुझे ये वॉचेज़ काफ़ी पसंद आई और मैंने इस वजह से एम आर डब्ल्यू टू हंड्रेड एच ये वाला मॉडल स्पेसिफिकली लिया बिकॉज ये नासा के सूट में इंपॉर्टेड था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और किसी भी तरीके के ड्रेस पर आराम से चल जाता है सो रियली इट्स रियली स्टडी इट्स टफ आप देख सकते हैं इसके बाद दो रीजन क्राउन प्रोटेक्टर्स हैं तो कहीं भी स्ट्राइक हो तो क्राउन पे इफेक्ट ना जाए अंदर मूवमेंट पे इफेक्ट ना जाए बहुत सोच समझ के डिजाइन करी हुई वॉच है ये और बहुत सोच समझ के बनाई हुई वॉच है इट्स रियली चीप इट्स रियली ऑथेंटिक आई लव दिस वॉच और चाहे कोई सी भी वॉच आ जाए मेरे सामने एक वॉच जो मैं कभी नहीं खोना चाहूँगा वो है ये भले ही ये कितनी भी सस्ती हो आई विल ऑलवेज लव टू वेयर इट एंड आई रियली लवस टू वेयर इट मैं मोस्टली यही वॉच पहनता हूँ <laughs> एंड दैट्स समथिंग इट चाहे कोई भी फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहता हाँ मेरे पास कैशियोक uh, है जो कि जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा एक न्यू कैशियोक है जो कि आपको पता ही होगा ट्वेंटी वन हंड्रेड सीरीज की टफ uh, सोलर और ब्लूटूथ फीचर वाली वॉच विच हैव रेज इन स्ट्रैप्स इफ यू नो वट आई मीन दैट्स अ रियली नाइस वॉच मैं उसके बारे में बताऊँगा बट दिस इज अनदर बीस्ट दिस इज़ अनदर वॉच इट्स इट्स सो एलिगेंट कि आप इसे कहीं भी कैसे भी कभी भी पहन सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सो इन एक्सपेंसिव बट यू लव इट इसमें डेडेड दे कॉम्प्लिकेशन मुझे काफ़ी अच्छे से पसंद है इसमें सारी चीज़ें एक जो टाइम देखने के लिए आपको जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब इसमें हैं और uh, ये काफ़ी ही कम्फर्टेबल है सो लेट मी जस्ट वेयर इट एंड शोर इट टू यू गाइज जस्ट गिव मी अनेट सो so, मैंने इस वॉच को पहन लिया है और आप देख सकते हो कि ये कितना नॉर्मल लुक देती है मैं ऐसा टी शर्ट्स पे पहन सकता हूँ मैं इसे सूट तक पे पहन सकता हूँ सो so, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट है आ, इसको पहनने में एंड इट्स लाइक रियली कम्फर्टेबल इट्स ओनली बिटवीन थर्टी टू फोर्टी ग्राम्स लाइक इट डजेंट इवन फील लाइक इट सो मैं जब अपने हाथ में पहनता हूँ तो मैं भूल भी जाता हूँ कि मैंने कोई वॉच पहन भी रखी है एंड अराउंड टेन मिनट्स हो चुके हैं मुझे वीडियो बनाते बनाते आई गेस बिकॉज इट इज़ शोइंगी सो आप देख सकते हैं रोटेंडिंग बेजल का फ़ायदा कहाँ आता कहाँ से आता है और कितना टाइम अवेयरनेस आपको मिलती है इस वॉच को पहनने से एंड यू विल ऑलवेज भी कम्फर्टेबल विद इट इट्स जस्ट रियली कम्फर्टेबल इट्स रियली फिट्स एंड मुझे पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता रहता कभी कबार मैं भूल जाता हूँ कि मैंने वॉच पहन रखी है यू जस्ट फिक यूर रिस्ट एंड वॉच द टाइम एंड यू विल गो लाइक ओके मैंने रिस्ट वॉच पहन रखी है एंड इट इज़ अ वॉच डैट एवरी वन लाइक्स इसके कोई बिकॉज़ uh, ये बहुत ज़्यादा भड़कीली नहीं है और ये बहुत ज़्यादा सिम्पलिस सिंपलिस्टिक भी नहीं है तो बहुत सारे लोग इसे बहुत लाइक करते हैं दे रियली लव इट एंड एंड आई ऑल्सो लव इट एंड हैव बॉट इट और मुझे बहुत पसंद आई अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी पसंद है जिसमें मैं रैंडम चीज़ों की रिव्यूज़ डालता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लें इस वीडियो को एंड मैं कैशियो की ड्यूरो मालिन लोगों के साइन के साथ जो कि बिलगेट्स हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम वेयरिंग इट वो वाली वॉच को अगर आपको देखना है तो उसका भी मैं रिव्यू लाऊंगा मैं उसे इम्पोर्ट करा रहा हूँ यूएसए से बिकॉज मालिन लोगों का साइन इंडिया में कहीं नहीं मिलता सो so, मैं उसे इंपोर्ट करा रहा हूँ अगर आपको भी वीडियो देखनी है अगर उसमें फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको देखना है सो यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन विद माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट इट वुड बी रियली गुड एंड रियली हेल्पफुल Happy Diwali guys, thank you so much for watching this video. Love you, bye bye.